गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे। तो अभी कहाँ निकले? साइकिलिंग करने। अच्छा, चेहरा तुम लाल हो गया है तुम्हारा। चलिए फ्रेंड, मैं ऊपर आ गई हूँ। आज तो बहुत ज़्यादा, आज धूप अभी भी बहुत ज़्यादा है और मैं आ गई ऊपर में क्लीनिंग करने के लिए, पानी वगैरह देने के लिए। बाकी कुछ तो करने का मन हो नहीं रहा है। तो ठीक से करो। हेलो दादा, क्या नाराजगी हो गया है? खा लो, बहुत गर्मी है। हाथ धो रहा हूँ, डाल के मत ले, मैं दे रहा हूँ। सेम सेम बटन पे स्वीटी का हाथ ही हटा रहा था कि तू मत ले, मैं ही लेता हूँ। शाम से देख रहा है भैया को। और तो फिशेस था क्या कुछ में अपने? सिम्बा स्वीटी आजकल गर्मी की वजह से ना दोनों नाराज चल रहा है। खाओ ना दाना। सो फ्रेंड, एक्चुअली में हुआ क्या है कि सिम्बा और शिटी को हमने दाना दिया है और दोनों गर्मी की वजह से हो या जो भी कारण हो, दोनों खा ही नहीं रहते। और ऊपर से है कि रोज़ सिन्हा जी देते हैं दाने उनको, आज मैंने दिया है, तो शायद हो सकता है कि वो उनको ढूंढ रहा हो सिन्हा जी को। तो मैंने सोचा कि चलो गर्मी बहुत है, मैं ऊपर आई थी मैं प्लांट सब में पानी देने के लिए, तो मैंने उसको दाना भी दे दिया। और यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। अरुल जाकर सीढ़ी पे बैठ गया है, तो मैं उसको बोल भी रही हूँ कि भाई सीढ़ी पे मत बैठो, नीचे चले जाओ, बहुत गर्मी है। लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है कि जो तुम जहाँ हो मैं वहीं रहूँगा। और यहाँ पर जो हमने उस दिन डंडे जो इसके चेंज किए थे मनी प्लांट के, तो देखिए कितने हरे भरे हो गए हैं ना। तो क्योंकि हमने जड़ को तो छेड़ा नहीं था ना, तो वैसे ही थे ना जड़। क्या कर रहे हो अरुल? कुछ नहीं है, शूटिंग कर रहा हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पे ना कितने भी पानी दे दीजिए ना, अंदर बालकनी में है लेकिन फिर भी सारे पे एकदम ड्राई हुए। आई थी जो पानी देने के लिए, एकदम से ड्राई थे सारे के सारे। इतनी ज़्यादा गर्मी, बार बार मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ भाई बहुत गर्मी, सही में बस गर्मी है। ऑल ओवर इंडिया ही नहीं, मुझे तो लगता है इस बार ऑल ओवर वर्ल्ड, जहाँ जहाँ पे गर्मी पड़ती है ना, सब जगह पे बेहाल है लोग। प्लांट किसी तरह से सब बच जाए, नहीं तो आदमी तो बच जाता है एसी कूलर में रह कर के। प्लांट वगैरह बच जाए तो बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। और इतनी धूप हो गई कि प्लांट भी सब मर जाते हैं। कुछ कुछ प्लांट ऐसा होते हैं कि उनको सिर्फ पानी चाहिए होता है, धूप नहीं। इसलिए फ्रेंड हमने पानी दे दिया है सारे प्लांट में, और सारे प्लांट एकदम से हरे भरे मतलब हो जाते हैं जब पानी दे दीजिए तो। काफ़ी अच्छी मतलब फुहार पड़ने पे एकदम से प्लांट खिल जाते हैं और एक भी फूल नहीं आ रहे हैं, मतलब गर्मी की वजह से। चाहे जो भी हो, बस पेड़ बच जाए बहुत बड़ी बात है। तो मैं अब जा रही हूँ नीचे, तो चलिए नीचे चलते हैं और सीढ़ियों पर जो प्लांट हमने डाला हुआ है उसको देखते हुए चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड, मैं आ गई हूँ नीचे और आते ही मैंने नीचे की क्लीनिंग शुरू कर दी है। तो आज मैंने नीचे की क्लीनिंग बाद में शुरू की है, पहले ऊपर जाकर के पानी वगैरह दे दिया, क्योंकि ऊपर में धूप की वजह से ना खड़ा होना मुश्किल हो जाता है, इतनी ज़्यादा करकती भरकती धूप लगती है। और नीचे हैं बच्चे भी आ गए हैं, तो अरुल साइकिलिंग कर रहा है अपने फ्रेंड के साथ और मैं प्लांट वगैरह में पानी दे रही हूँ। तो प्लांट सब, नीचे के प्लांट सब को भी मतलब सब शेड में है, उसके बाद भी धूप तो लगती ही है और गर्म हवा लगती है, इस वजह से यहाँ पे मैंने जो भी रखा है ना, ज़्यादातर मैंने सो प्लांट ही नीचे में रखा हुआ है। तो चलिए इन सबको पहले पानी दे देती हूँ,
पापा की क्लीनिंग कर लेती हूँ और आज मैं कुछ स्पेशल बनाने वाली हूँ समृद्धि की पसंद की। तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया होगा जो लोग मेरा रेगुलर वीडियो देखते होंगे कि शैमू क्या कर सकती है। तो आज लंच में जो बनने वाला है मैं बनाने वाली हूँ वो शैमू की फेवरेट बनाने वाली हूँ। तो चलिए पहले मैं क्लीनिंग फटाफट कर लेती हूँ और फिर चलते हैं, क्योंकि मॉर्निंग की क्लीनिंग जो होती है ना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो फ्रेंड मैं आ गई हूँ किचन में और शैमू जो थी वो अपना पिज़्ज़ा गरम कर रही थी माइक्रोवेव में और मैं यहाँ पे मसाले वगैरह निकाल रही हूँ। तो मैंने नीचे से बड़ी इलायची वगैरह निकाली और यहाँ दालचीनी वगैरह ऊपर से ले ली है। यहाँ पर मैंने पानी वगैरह चढ़ा दिया है, मतलब बॉयल होने के लिए, उसमें मैंने दालचीनी और इलायची डाल दी है और एक चम्मच भर के नमक डाला है मैंने। तो थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि मैं क्या कर रही हूँ। तो मैं राइस पकाने वाली हूँ बिरयानी के लिए। तो आज मैं शैमू की फेवरेट बिरयानी बनाने वाली हूँ जो कि काफ़ी टाइम बाद बन रहा है, मतलब बच्चों के वेकेशन को भी एक महीना मतलब हो गया है, उनको शुरू हुए और एक महीने बीत चुके हैं और आज एक महीने के बाद मैं इसको बनाकर आज देने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे प्याज, दो प्याज कटे हुए डाले हैं, दो खड़ी लाल मिर्च, लहसुन, गरम मसाला में मैंने बड़ी इलायची, दालचीनी और लौंग डाला है और फूल दगर फूल डाला है मैंने। यहाँ पे मैंने एक कटोरी भर के दही डाली है, उसके बाद लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और पानी डाल करके और थोड़ा सा मैंने चिकन मसाला डाला है इसमें। और इसकी हम एक अच्छी सी पेस्ट बना लेंगे क्योंकि हमें बिरयानी के लिए चिकन बनाना है। और इस मसाले को मैं रेडी करके और थोड़ा सा मतलब प्याज को फ्राई करूँगी ऑयल में और उसमें चिकन डाल करके और ये मसाले डाल दूंगी और इसको पकने दूंगी। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करूंगी क्योंकि बिरयानी के लिए आप जो चिकन पकाते हैं ना उसमें इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं ऐसे करती हूँ और अच्छा बनता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं लेकिन अभी जो मैं करूँगी वही तरीका है। तो यहाँ पर मसाले हो गए हैं रेडी और मैं एकदम से स्टेप बाय स्टेप वीडियो नहीं दिखाऊंगी आज, क्योंकि क्या हो रहा है कि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। और यहाँ पे राइस पक चुकी है तो बस इसके पानी मुझे निकाल लेने हैं। तो आज मैं इसको स्टेनर से मैंने निकाल दिया है पानी को और सारे चावल को मैंने डाल दिया है यहाँ पे। तो चावल रेडी है और यहाँ मैंने चिकन में मसाले वगैरह डाल के चिकन को भी पकने को छोड़ दिया है, वो भी पक रहे हैं। और इसके बाद जो है मैं आगे की तैयारी कर लेती हूँ। तो धनिया की पत्ती वगैरह कट करनी है, चूँकि बिरयानी में हम जब उसे लेयर लगाते हैं तो उससे पहले मेरे छोटे जो शिन्हा जी हैं ना उनका एक डिमांड आया है कि मम्मी मैंगो शेक बना दो। तो मैंने सोचा चलो मैंगो शेक बना देती हूँ सुबह सुबह अभी, चूँकि अभी बिरयानी बनने में टाइम है तो मैंगो शेक की मैं तैयारी कर देती हूँ। मैंगो शेक बना कर पहले बच्चों को दे देती हूँ, उसके बाद मैं बाकी के काम शुरू करूँगी। और मैंने सोचा गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए मैंने सोचा कि पहले बिरयानी की तैयारी वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद मैं बाकी फिर स्नान वगैरह करने का काम करूँगी। क्योंकि क्या हो गया नहीं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ना मॉर्निंग में लगता है किचन के कुछ काम ख़त्म करने के बाद ही जाना चाहिए, नहीं तो मैं दोपहर का लंच अक्सर मतलब अपने पूजा पाठ करने के बाद ही मैं शुरू करती हूँ। लेकिन आज मुझे लगा कि नहीं भाई, पहले कर लो ये सब काम, मोटे मोटे काम ख़त्म करो, फिर उसके बाद स्नान करके और तब उसके बाद थोड़ा रिलैक्स हो, क्योंकि कूलर चल रहा है, एसी चल रहा है, उसके बाद भी गर्मी में बिल्कुल भी राहत नहीं है। और आसमान में थोड़ी थोड़ी बदली दिखती भी है बट बारिश हो नहीं रही है, तो वही प्रॉब्लम यहाँ पर बहुत ज़्यादा है गर्मी का। और यहाँ मैं बना के मैंने जैसे ही लिया है तो मेरे जो छोटे सिन्हा जी हैं आ गए हैं, उन्होंने कहा कि जल्दी से पहले मेरा डाल दो, मैं ले लेता हूँ अपना। तो मैंने डाल दिया, मुझे लग रहा था कहीं गिरा ना दे। और यहाँ हमारे सिन्हा जी खड़े हैं मीटर के सामने में, क्योंकि आज वोल्टेज नहीं है, मोटर नहीं चल पा रहा है, बहुत तरह की परेशानी आज हो गई है। और यहाँ चिकन भी रेडी हो गई है क्योंकि आज वोल्टेज नहीं होने की वजह लाइन है, और मतलब वोल्टेज है, मतलब वोल्टेज बहुत ज़्यादा है, लाइट भी है, बट पता नहीं क्यों मोटर नहीं चल पा रहा है, मोटर जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब ओवरलोडिंग में जा रहा है। सो बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ पे मैंने पुदीने, धनिया की पत्ती और सब लिया था मैंने यहाँ पे, जो ग्रेवी हमने ऊपर से निकाली थी चिकन की उसके उसमें मैंने डाला है एक गिलास दूध और तीन चम्मच भर के घी डाली है और इसे हमने बना लिया है। और ये जो ग्रेवी है बनाई है इसे ही हम इसमें डालेंगे।
यहाँ पे मैंने जो बर्तन है ना बिरयानी के लिए, उसके नीचे में एक लेयर चिकन की लगाई है, उसके बाद चावल डाला है, फिर एक चिकन की लेयर लगाई है, और उसके बाद यहाँ नींबू के रस डाल रही हूँ, और उसी के साथ में यहाँ पे मैं डाल रही हूँ केवड़ा एसेंस डाला है पानी में मिक्स करके, उसके बाद धनिया की पत्ती, पुदीने की पत्ती, थोड़ा सा यहाँ पे बिरयानी मसाला, और उसके बाद फिर से एक चावल की लेयर लगानी है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा बिरयानी मसाला डाल दिया है, थोड़ा सॉल्ट डाल दीजिए और लेमन जूस ज़रूर डालिएगा, उसके ऊपर से फिर से हम एक लेयर लगा लेंगे चावल की। और चावल की लेयर लगाने के बाद उसके बाद क्या करना है, जो हमने इसके चिकन के ऊपर की ऑयल को निकाला था और उसमें जो हमने दूध डाला था और घी, उसको इसके ऊपर डाल देना है पूरे अच्छे से, और क्योंकि ये एक मतलब लिक्विड चाहिए इसको अंदर में, ताकि ये पकाए जलाए नहीं बिरयानी को। उसके ऊपर फिर से नींबू का रस, उसके बाद केवड़ा एसेंस, ये बिरयानी मसाला, और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फूड कलर को पानी में घोल करके डाला है, उसके ऊपर से पुदीने की पत्ती और हरा धनिया डाला है। आप चाहें तो हरी मिर्च को भी कट करके यहाँ पर डाल सकते हैं, अगर आप तीखा ज़्यादा खाते हैं तो। मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि बच्चों को परेशानी हो जाएगी। और यहाँ पर मैंने एक तवा को ऊपर डाला है रेत, और रेत के ऊपर डाल दी है मैंने ये डेगची, और ये हमारी बिरयानी पक जाएगी। और मैं आ गई हूँ स्नान करके, और उसके बाद मैं देख रही हूँ कि बिरयानी पकी है कि नहीं, क्योंकि उसको कम करके मैं चली गई। और यहाँ पे हम सभी अब बिरयानी की मतलब इंजॉय कर रहे हैं। और फ्रेंड, इस तरीके से आज की ये जो ब्लॉग है, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर कर रही हूँ। इन वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।